और माखू तो गाल शुरू पे होनी है। अल्लाह ने अभी व्यका उस माखू ने अंदर वाल पे आ, उसे की पे आ जी वाल पे आ माखू। नबी अलैहिस्सलाम खाने तो पहले अल्लाह ने हबीब अबू बकर उमर उस्मान अली हजरत फातिमा जिब्रील अल्लाह सारे पहले सब तो अल्लाह ने हबीब एक गाल की थी, फिर अबू बकर सिद्दीक बोले, फिर हजरत उमर बोले, फिर उस्मान बोले, फिर अली बोले, फिर हजरत फातिमा बोली, और फिर जिब्रील जड़ा वही आने फिर तू बोला, फिर अल्लाह ने पैगाम अपने हबीब को आदत की अल्लाह पैजा आना एक एक गाल एक एक जुमे जो आज अल्लाह ने हबीब की गाल करने के नबी अलैहिस्सलाम की फरमाया, जरा तवज्जो नाल सुनो। अल्लाह ने हबीब जिस वक्त प्याले ते नजर पाईए तो सहाबा मुखातिब कीता ने, सहाबा मुखातिब करके फरमाया ने ई जड़ा प्याला नहीं प्याला जो कोई प्याला साफ है शीशे वांगू साफ होया प्याला, फरमाया ई जड़ा प्याला इसी तरह अल्लाह की मार्फत ने, और अगली गाल में क्या कर सा समझ गए अल्लाह ने मार्फत ने फरमाया अल्लाह ने मार्फत इस प्याले वांगुल ने और इस जड़ा माखुआ पिया अल्लाह ने मार्फत ना हासिल करना इस माखुए वांगुल ने, अल्लाह ने मार्फत प्याले वांगुल साफ है अल्लाह पाक ने मार्फत ना हासिल करना माखुए वांगुल शहद वांगुल मिठा, ते फरमाया अल्लाह ने मार्फत हासिल होने तो बाद उसते अमल करना बाल वांगुल वाले वांगुल बारीक ने, त्रै गल हो फरमाया जरा प्याले ने वेच प्याला ई अल्लाह ने मार्फत ने पहली गल, फिर फरमाया जरा प्याले च माखुआ ई अल्लाह ने मार्फत जिसा मिल गई ए जा, ते फिर उसने उत्ते अमल करना ए जा जिस तरह बाल है प्याले वांगुल चिट्टी मार्फत साफ मार्फत प्याले ने जिस तरह मिठा माखुआ है जा मार्फत मिल गई तो माखू वांगुण ते इसने उत्ते अमल करना वाल वांगुण बारीक ने। हुण अगे आओ जी गल शुरू करने, अल्लाह ने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्रै चीजें दसियां, फिर अबू बकर सिद्दीक अपनी त्रै चीजें दसन, हजरत उमर अपनी त्रै दसन, हजरत फातिमा अपनी दसन, सारे अपनी अपनी त्रै चीजें दसन। उन्होंने इंशाला रोजाना हर जुमे इंशाला गुफ्तगु असी अज पहला जुमा गुफ्तगु ना आगाज तू करने कि अल्लाह ने मार्फत की वे तवज्जो नाल सुन सो, क्योंकि एजिया गल मैं करना किसी टाइम के फटोफट आदमी खोपड़ी जानियां ते कुछ गल एजियां के थोड़ा जे ढिला तो बाद समझ आनियां। ये जाइए ना कि किसी टाइम घर ने अंदर कुछ आदमी काम करना ना कुछ भी काम पर करना होना तो कमे वाले समझाना पैना भाई ऐजा कर ऐजा कर ऐजा कर उस हल समझना, तो किसी टाइम आदमी जज्बात जाकर रख के चपेड़ मारना उस टाइम समझनी नहीं चपेड़ मारी क्या उस, मगर चपेड़ ने बाद ही समझ आना कि चपेड़ लगने ना कुछ मकसद है। ये हम जी मैं चपेड़ मारता ही तो बाद शायद समझ आए कुछ ताजी की आख क्या अल्लाह ने मार्फत पहली गल मार्फत न सुखल्ला मा न ई ने अल्लाह ने पहचान। हुण तुसी आखो मौलाना साहब ही कुछ मुश्किल काम है अल्लाह ने पहचान किसान है जी, असी सारे मुसलमान हाँ कलमा पढ़िया अल्लाह सहलने तो नमाज पढ़ने बयाने ना जी, अल्लाह सहलने तो कुरान पर पढ़ने ना जी, अल्लाह सहलने तो जकात देने ना जी, अल्लाह सहलने तो रोजे पर रखने ना जी, अल्लाह सहलने जी तो हुकूकुल इबाद हुकूकुल ने अंदर जड़ा ने जड़ी अल्लाह तस्सीन अल्लाह रसूल दसा उपर अमल करने। मेरा भाई ये सारी चीजें अपनी जगह हूँ अल्लाह की पहचान की वे अल्लाह की मार्फत किसान ने अल्लाह की मार्फत जिस वक्त बंदे हासिल हो वजे तो उलमा लिखा पहली गल अल्लाह ने जिसा मार्फत हासिल हो सी ने उसा दुनिया चंगी न लग सी। ई अल्लाह ते अल्लाह ने रसूल ना फैसला जिसा अल्लाह लोड़े वेखो मैं गल रावे ना करना अल्लाह ने महबूब फरमाया जरा दिल है अतकवा हाउ ना इशारा कीता ने जरा इंसान ने सीने च दिल है इस दो चीजा चो एक आसी या अल्लाह आसी थी या दुनिया आसी, अगर दुनिया इस दिल इतने अल्लाह नहीं है बस साफ गल ने इस दिल दुनिया बढ़ गई फिर अल्लाह इधर नहीं ने, ते कदे अल्लाह है तो फिर दुनिया हो लत मारी सी फिर दुनिया वाले पासे मुतवज्जे ना हो सो फिर दुनिया ना शौक ना रख सो जोक ना रख सो दुनिया पिछे दौड़ सो नहीं दुनिया पाने आसी कि दुनिया कतल ना कर सो एक दूजे ना हक ना मार सो एक दूजे के दावे ना कर सो। ये और सारी जी मैं गल करना इस माशरे की ही पैसे करने ना जी फलाना कतल हो गई फलाना थाने चल गई कचहरियां चल गई कहीं असि जी जमीन आई लड़ाई आई जी हुस्न हक ही जी हु जी आएगा
हजरत ईसा अलैहि सलाम सफर जाए तो त्रै नाल हवारी आए, त्रै नाल मनने आले टुर पाए। राय ते अल्लाह नी आजमाइश आई, ईसा अलैहि सलाम वेखा सोने नी इट पाई है, सोने नी इट। हुण नबी नाल जिहड़ा आदमी पवेना उसां चाही ना ई वे कि नबी ने नक्शे कदम ते चले, वो अपनी मनशा ना चलावे, अपनी मर्जी ना चलावे। उन्हां त्रै वेखा सोने नी इट है, ते आप च किधू इधर मुतवज्जे होए, इशारतन गल कीती ने। किसी टाइम तुम वेखो नहीं व्यापारी फराड करने ना, कुछ भी व्यापारी हो व्यापारियों ना फराड कि जबानी होना कि इशारे अखे नाल गला करने, इशारे नाल आऊं पकड़ो जेजा करो जेजा बनो आऊं कपो जेजा कोस वेखो जी नहीं ना इशारे करने पैसे आसे पैसे आसे। उन्हें भी अखे अखे गल कीती कि ईसा अलैहि सलाम नाल हो ते कुछ पाना बढ़ावा और पानी की तरतीब कि होना कोई उजर रखा जी असी मजबूरन थोड़ा जा इधर रुकना चाहते हैं। ईसा अलैहि सलाम आखा मैं वहना तुम रुको जड़ा काम ने करो वापसी मुलाकात हो गई सी। ईसा अलैहि सलाम तो अल्लाह ने पैगंबरन रूहलन उन्हें तो पता लग गया कि क्यों पे रुकने ने ना मकसूद दुनिया समेटना कि ना सोने नी इट वेख के दिए सोने नी यह जी कि हम मस्जिद जो कुछ आदमी निकले ना मैं मिसाल चाह दे मस्जिद जो ते 500 ना नोट जमीन दे पे आ वेख के ने ते उस ते रख के ने अपना पैर ते कोई पक्का यार भी होती तो सासिया वंज मैं आना ही वंज मैं आना ही मूं पक्का भी दा वंज मैं आना ही तू उत्थे पे ए मैं आ गया क्यों जी ते 500 ना नोट ताड़ के दा आ जी अजी से पाक जाना। नबी अलैहि सलाम फरमाया लोगो उन फितरे ने आने तो पहले पहले अमल करो। एक वक्त आसी मेरी उम्मत ना जड़ा मुसलमान हो सी उ चंद टक्के ने बदले अपना ईमान वैसी ने ईमान ने सौदे कर सी ने और उसकी मैं तशरीह करा था मेरे को वक्त नहीं कि क्या सौदे कर सी। और अल्लाह नी मारफत जिस वक्त ना हो सी अल्लाह नी पहचान ना हो सी अल्लाह नाल ताल्लुक ना हो सी ने फिर आकसो कुछ भी नहीं पूरा होना। तो जिस वाले अल्लाह नाल ताल्लुक हो सी ने तो कुछ भी ना हो सी फाका हो सी ते आवाज आ दी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल अल्लाह जिस हाल च रख तेरा ही शुक्र शुक्र। खैर हजरत ईसा अलैहि सलाम चले गए उन्हें वेखा इट पई है। ईसा अलैहि सलाम ने कोई गुनाह का भरावो इट एक बंदे त्रे करा कि उन्हें आखा जी इसने हिस्से करो त्रे हिस्से चलो जी त्रे हिस्से करने हूँ दो बदनीत हो हिक्कीदार हिक बदनीत दुआदार ई मिसाल अपने ते फिट करी हो दुरनीत किसी नहीं साफ हो।